नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर की। तो दोस्तों, जब भी आप टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस प्लान जब भी लेते हैं, तो हमारे दिमाग में रहता है कि क्या हमें टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले लेना चाहिए या नहीं। तो इस क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आपको क्यों लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, कितनी राशि का लेना चाहिए और क्या क्या उसमें देखनी चाहिए चीजें। ये सारी चीजें एक बार इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं और से कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले आप पूछेंगे मुझे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, उसके साथ हमें क्रिटिकल इलनेस राइडर क्यों लेना चाहिए। तो इसके लिए है दोस्तों, ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो आपको हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, ब्रेन रिलेटेड ट्यूमर डिजीज एटसेट्रा, कैंसर, तो इस प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हैं ये कवर आपको इन बीमारियों की जो जांच है, जो इनका इलाज है, उसमें आपको मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, इन टाइप की जो बीमारियां हैं, इनका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है, और अगर आप खर्चे के चक्कर में रहेंगे तो इन बीमारियों का इलाज मुश्किल से हो पाता है। इसलिए अगर आपने क्रिटिकल इलनेस कवर ले रखा है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा दिखाता हूँ जो मैंने इंटरनेट से लिया है। इस डेटा को देख करके आप चौंक जाएंगे, और ये 2005 से 2015 का डेटा है। अगर हम करंट डेटा देखेंगे तो इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं, हार्ट अटैक का इंडिया में जितनी भी डेथ हो रही है, उसका 16% जो डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। सिमिलरली और भी, जैसे लंग डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज, ये भी बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, किडनी फेलियर। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो ये बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, आजकल इनका खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए कोई भी आदमी श्योर होकर नहीं कह सकता कि उसको कभी जिंदगी में किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस नहीं होगी। अतः इनका प्रिवेंशन रोकने के लिए बेटर है, इनका जो खर्चा है उससे बचने के लिए बेटर है कि हम लोग इसका एक कवर लेकर के रखें। क्योंकि इनका खर्चा कई बार आदमी को गरीब बना देता है, पूरी सेविंग्स होती है, पूरी की पूरी सेविंग्स चली जाती है, और उसके बाद आदमी बच भी जाता है तो उसके पास पैसा नहीं बचता है। तो इसलिए कवर लेकर के रखें। और आइए कि आप कवर ले रहे होते हैं तब आपको क्या क्या चीजें देखनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो टर्म आप जो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं वो आप टर्म इंश्योरेंस के साथ एक राइडर के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक अलग बीमा प्लान के रूप में भी ले सकते हैं। इसको एक अलग से आप बीमा के लिए हेल्थ कंपनी से बाय कर लीजिए, या आप टर्म इंश्योरेंस से, टर्म लाइफ से के साथ इसको एक राइडर के रूप में ले सकते हैं। राइडर का मतलब क्या होता है? राइडर का मतलब होता है आपकी बेस पॉलिसी होती है, उसके साथ आपको एड ऑन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक एडिशनल प्रीमियम थोड़ा सा होता है वो आपको देना पड़ता है। आइए अब देखते हैं इनके बेनिफिट्स क्या रहते हैं जब आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसको एक राइडर के रूप में लेते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में इसको बाय करते हैं। तो दोनों में क्या फायदे नुकसान है? तो जब आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसको एक राइडर के रूप में लेते हैं तो इसका प्रीमियम होता है वो थ्रू आउट द पॉलिसी आपका फिक्स रहता है, और लेकिन इसमें क्या होती है, बीमारियों का कवरेज है वो भी सीमित रहता है। यानी जब आपने पॉलिसी लिया था उस टाइम पे 10 बीमारियां अगर कवर है तो आगे भी वो थ्रू आउट द पॉलिसी 10 बीमारियां ही कवर में रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि बीमारियां हैं वो चेंज होती रहती है, और इसलिए कवरेज है वो बढ़ते रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर हम इसको राइडर के रूप में लेते हैं तो ये एक नुकसानदायक चीज है, लेकिन इसका प्रीमियम फिक्स रहता है वो इसकी एक अच्छी बात है। जबकि अगर हम इसको हेल्थ इंश्योरेंस में लेते हैं तो इसमें क्या रहता है, हमारा प्रीमियम होता है वो बढ़ता रहता है, लेकिन बीमारियों का कवरेज है वो भी हमेशा अपडेट होता रहता है। तो दोनों के नफे नुकसान दोनों के अलग अलग हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब आइए मैं आपको कुछ बातें बताने चाहता हूं कि आप जब टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर इसको क्रिटिकल इलनेस कवर को लेते हैं या आप एक सेपरेट पॉलिसी लेते हैं तब क्या होता है। तो कवर क्रिटिकल इलनेस जितनी भी होती है उनको लिस्ट दी हुई होती है जब भी आप पॉलिसी बाय करते हैं। कुछ कंपनीज में 30 इलनेस को काउंट किया जाता है, कुछ कंपनीज में 19 जो क्रिटिकल इलनेस है उसको काउंट किया गया है, कई कंपनीज ने 40 क्रिटिकल इलनेस को काउंट किया है। तो आप उनमें जितनी भी इलनेस आप पॉलिसी लेते हैं उसमें जितनी इलनेस है उसके लिए आपको कवर मिल जाता है।
साथ ही इसमें क्या होता है, जैसे ही बीमारी डिटेक्ट होती है लिस्ट में दी हुई उनमें से, तो आपको एक मुश्त क्रिटिकल इलनेस की राशि है वो मिल जाती है, ताकि लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है ताकि आप अच्छे से अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको किसी प्रकार के बिल जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको ये एडवांस में राशि मिल जाती है और कंपनी आपसे किसी प्रकार का बिलिंग प्रूफ भी नहीं मांगता है। आपको करना क्या होता है, किसी भी डॉक्टर द्वारा आपको बीमारी डायग्नोस होने का एक सर्टिफिकेट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। अब आपको मैं 8 बातें बताने वाला हूँ, वो मैंने काफी रिसर्च के बाद वो बातें निकाली है, और आप भी जब भी टर्म प्लान के साथ अगर क्रिटिकल इलनेस कवर को ले रहे हैं या अलग से क्रिटिकल इलनेस कवर को ले रहे हैं, तो हमेशा इंश्योरेंस बाय करते समय इन चीजों का ध्यान अवश्य रख लें। तो आपको क्रिटिकल इलनेस कवर अपनी इंश्योरेंस के साथ बाय करते टाइम ध्यान देना है कि कौन सी बीमारियां उसमें शामिल की गई है और कौन सी बीमारियां उसमें शामिल नहीं की गई है, ये दोनों आप अवश्य मिलान कर लें विभिन्न कंपनियों के साथ, और देख लें कि कहीं कोई गंभीर बीमारी है जिसको शामिल किया जाना चाहिए था। आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में बीमारी चलती आ रही है, क्या वो बीमारी उसमें शामिल है या नहीं है। उसके बाद कितनी उम्र तक कवर मिलता रहेगा, कई इंश्योरेंस कंपनीज होती है उसमें जो टर्म प्लान है वो आपका 100 साल तक का मिल जाता है, लेकिन जो आपका क्रिटिकल इलनेस कवर है वो हो सकता है कि 65 वर्ष तक हो या कईयों में 85 वर्ष तक का होता है, तो वो आप एक अवश्य चीज चेक कर लें। और किस स्टेज पे बीमारी को कवर किया जाता है, कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में मैंने देखा है कि वो बोलेंगे कि स्टेज 1 पे उस बीमारी को कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कैंसर है, तो कैंसर में स्टेज 1 पे जो बीमारी है वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी, या वो बोलेंगे कि जो हार्ट का जो माइनर टाइप का जो है स्ट्रोक वो इस बीमारी में कवर नहीं होगा। तो ये सारे जो स्टेज है वो भी आप अवश्य देख लें, जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हैं विभिन्न प्लानों को अलग अलग कंपनीज के, तो इन चीजों को अवश्य ध्यान दें। इसके अलावा कितनी राशि कब मिलेगी, यानी आपको क्या सारी की सारी जो क्लेम राशि है वो आपको एक साथ मिल जाएगी या आपको अलग अलग किस्तों में वो बाद में आपको देते रहेंगे, ये चीज भी आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए। इसके अलावा क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने चाहिए ये आप पहले पूछ करके रखें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद कितने दिनों में क्लेम आपका पास हो जाएगा, या आगामी प्रीमियम जो भी है आपका, अगर क्रिटिकल इलनेस आपने जो बीमा है वो उठा लिया है, तो आगामी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपका क्या वेव ऑफ हो जाएगा, यानी छूट मिल जाएगा, या आपको वो भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 8 चीजें हैं, इनको आप अवश्य जब भी क्रिटिकल इलनेस कवर अपनी टर्म इंश्योरेंस या किसी और इंश्योरेंस के साथ बाय कर रहे हैं तो इसको अवश्य ध्यान में रखें, और जब भी आप एक या दो से अधिक कंपनियों का टर्म जो क्रिटिकल इलनेस कवर है उसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तब भी इन सारे पॉइंट्स पे एक बार ध्यान दे लीजिए, और फिर देखिए कि कहीं आप सस्ते प्रीमियम के चक्कर में कोई अच्छी चीज छोड़ तो नहीं रहे। तो इन सारे पैमानों पे अगर जो चीज खरी उतर रही है उसको फिर आप प्रीमियम के आधार पे तुलना कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप आय कर लीजिए। अब आइए मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअली क्रिटिकल इलनेस में जो कवर ले रखा होता है उसमें आपको कैसे बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने पॉलिसी लिया है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, और वो पॉलिसी का जो कवर रहेगा 40 साल का मान लीजिए पॉलिसी है, तो 5 वर्ष में मान लीजिए उसका व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसमें लिस्ट में दी गई क्रिटिकल इलनेस अगर डिटेक्ट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या होगी, उसको क्रिटिकल इलनेस कवर का जितना भी अमाउंट है, जैसे 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे उसको मिल जाता है। ये हो सकता है कि बीमारी जो डिटेक्ट हुई है 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, और 5 साल में हो जाए, 50 साल में हो जाए, लेकिन पॉलिसी का जब इन्होंने टर्म बताया वहां से पहले अगर हो जाती है तो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो मिल जाता है। इसके बाद मान लीजिए उस व्यक्ति की 15 वर्ष बाद डेथ हो जाती है, तो जो जितना टर्म कवर था टर्म इंश्योरेंस का जितना भी सम इश्योर था वो यहाँ पे मिल जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बीमा राशि है वो 1 करोड़ का है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बीमा राशि हमने लिया 1 करोड़ का और क्रिटिकल इलनेस कवर हमारा रहा है 10 लाख का। तो जैसे ही क्रिटिकल इलनेस की कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है तो उसी टाइम पे क्रिटिकल इलनेस कवर है वो मिल जाता है। इसके बाद जब डेथ होती है तो उसमें पूरी डेथ राशि जितनी भी है सम एश्योर्ड वो 1 करोड़ है वो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी बाय कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज क्या करती है, आपका जब ये क्रिटिकल इलनेस कवर है 10 लाख का, ये आपका जो
मेन जो इंश्योरेंस क्लेम है उसमें से डिडक्ट कर लेती है। यानी आपने अगर क्रिटिकल इलनेस कवर 10 लाख का ले लिया है तो फिर आपका जो क्लेम की राशि है वो रिड्यूस होकर के 90 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। कुछ कंपनीज में ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज क्रिटिकल इलनेस कवर को सेपरेट रखती है। तो इसलिए ये चीज आपको अवश्य ध्यान दे देनी चाहिए कि जब भी क्रिटिकल इलनेस कवर ले रहे हैं तो वो आपकी बीमा राशि में कम होगा या नहीं होगा, और कम होगा तो किस हिसाब से ये आपकी कवर को इफेक्ट डालेगा, ये चीज आपको ध्यान में दे रखनी है। अब दूसरा, अगर हम इसी एग्जांपल में लेते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट ही नहीं हुई पॉलिसी के ड्यूरेशन और उस व्यक्ति की 15 वर्ष में डेथ हो जाती है, तो क्रिटिकल इलनेस कवर की राशि नहीं मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बीमा कवर है वो ही मिल जाता है। तो बीमा कवर 1 करोड़ का था तो 1 करोड़ का सम इश्योर्ड है वो मिल जाता है जैसे ही डेथ होती है उस टाइम पे। इसके अलावा मान लीजिए अगर डेथ नहीं होती है, एक व्यक्ति ने किसी ने मान लीजिए 40 वर्ष का पॉलिसी इस व्यक्ति ने ले रखा है और 5 वर्ष में उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो उसको क्रिटिकल इलनेस की जो कवर था 10 लाख का वो मिल जाता है। अब मान लीजिए इसका 40 वर्ष में डेथ नहीं होता है तो यहाँ पे जो बीमा की राशि है 1 करोड़ वो नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख का जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो ही मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक चीज ध्यान ले लेनी है कि क्रिटिकल इलनेस किस हिसाब से काम करता है और कंपनीज की टर्म्स कंडीशंस क्या है, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। सिर्फ नाम से मत पढ़िए कि भाई हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उसको कवर किया है, उसमें देख लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें उसमें शामिल की गई है, कौन से स्टेज पे शामिल किया गया है, किस टाइप के एक्सपेंसेस शामिल किए गए, ये सारी चीजें आपको पूरा डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ नाम पे मत जाइए, ये एक चीज कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ नाम पे नहीं जाना है कि हार्ट डिजीज कवर है, हार्ट डिजीज में क्या क्या कवर है, कब कवर है, ये सब भी देख लेना आपको जरूरी होता है। इसके अलावा आपको एक चीज और देख लेनी है कि क्या जब आप ये कवर क्रिटिकल इलनेस कवर आपने एक बार उठा लिया तो उसके बाद क्या आपको प्रीमियम देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, जैसे ही क्रिटिकल इलनेस कवर किसी ने उठा लिया उसके बाद के सारे प्रीमियम है वो माफ कर देती है और बीमा राशि है वो जैसी है वैसा चलता रहता है, और डेथ अगर मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो डेथ क्लेम पास कर देती है। तो ये आपको एक सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें प्रीमियम से रिलेटेड क्या कंडीशंस है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्रिटिकल इलनेस कवर से रिलेटेड जो हमारा टर्म प्लान पे वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज इसको लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको इंश्योरेंस से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको टर्म प्लान पे बहुत जितनी सारी जानकारी चाहिए, हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान पे बहुत से वीडियोस बना रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है, आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रकार का टर्म प्लान या सब ये चीजें ले रहे हैं तो उस इंश्योरेंस कंपनी से एक बार अवश्य संपर्क करें, उससे रिलेटेड जानकारी अवश्य पढ़ लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही प्लान बाय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।